सबके ऊपर। दया धर्म को मूल है, गाइए शंकर लाल आजाद, राम दयाल जी, सतीश भाई, आष्टी वाले मुस्कराइए और गाइए। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। जीव दया और आत्म पूजा, जीव दया आत्म पूजा, जीव दया आत्म पूजा, कहाँ कबीर धर्म नहीं दूजा, कहाँ कबीर धर्म नहीं दूजा। दूसरा कोई और धर्म नहीं, सिर्फ जीवों पर दया करो, छोटे छोटे जीवों की भी रक्षा करो, अहिंसा धर्म का पालन करो। हिंसा पाप है, अहिंसा पुण्य है। छोटे जीवों को भैया सताना नहीं, छोटे जीवों को भैया सताना नहीं, कभी नहीं। जियो और जीने दो का फार्मूला लेकर चलना, अपने घर में भी करुणा रखना, बेटियों के ऊपर भी प्रेम और दया रखना, माँ बाप के ऊपर भी प्रेम और करुणा रखना, माँ बाप को भी मत सताना, अच्छे आचरण बनाना, गुस्सा ना करना, मिलजुल कर रहना, अच्छी शिक्षा प्राप्त करना, पढ़ने में भी मन लगाना। योग्य संतान माँ बाप को निश्चिंत कर देती है, अयोग्य संतान माँ बाप को चिंता की चिता में भस्म कर देती है, सुयोग्य शिष्य गुरु को निश्चिंत कर देता है, अयोग्य शिष्य गुरु को असमंजस में डाल देता है। महान गुरु अपने शिष्यों को प्रफुल्ल कर देता है, अधम गुरु अपने शिष्यों को भी भव सागर में डुबा देता है। इसलिए गुरु को भी हमेशा संभल कर रहना चाहिए, नियम में कभी कच्चे मत रहो, पक्के नियम का पालन करो। गुरु होना कोई साधारण चीज है, कितने लोगों के तुम विश्वास हो, करोड़ों की आस हो, सबके दिलों में तुम्हारा निवास है। जीते जागते, चमकते दमकते, जिंदा दिल के तुम भगवान हो। हे गुरुदेव, मंदिर में तो हम पूजा करते हैं, लेकिन जीते जी अगर कोई भगवान है तो आप हैं। इसलिए आप, मेरे पास में एक भक्त का फोन आया, बोला गुरु जी अपने नए वर्ष में यही कामना है, आप नियम संयम में खूब पक्के रहना, हम लोगों का बहुत विश्वास है। उनको डर लगता है कि दो चार गुरु गड़बड़ गए, ये भी कहीं ना गड़बड़ जाए। लेकिन हमारे उनमें बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। अंतर ये है, देखिए क्या होता है, वो आदमी गड़बड़ जाता है जो आदमी सही नियम बनाता नहीं, सही नियम पालन करता नहीं, गड़बड़ा जाएगा। हमारा नियम क्या है? हमारा पहला नियम है, जिस भवन में हम रात्रि विश्राम करेंगे उस भवन में कोई भी माताएं बहनें गृहस्थ लोग विश्राम नहीं करेंगे। बस यहीं से लाइन कट गई सर, लाइन काटो। अब वहाँ छोटी लाइन में बड़ी लाइन घुसड़ के बैठे हो तो एक्सीडेंट तो होगा ही, बवाल बनाते हो।
और बवाल बनाएंगे ही जब मन बिगड़ा हुआ है। जिसका मन बिगड़ा वही बवाल बनाता है, घुसड़ पंच करता रहता है, उसी में एक साथ घुसड़ के रखता है। बहुत सावधान। चलना संभल संभल के। हमारे साथ जो कर्मचारी रहते ना, उनको भी इसी नियम से रहना पड़ता है। उनको आवारा घूमने नहीं देते गांव में, नहीं। जब छुट्टी लेकर अपने घर जाना तो अपने ढंग से रहो जाकर, पर यहाँ जब तक रहना है कंट्रोल में रहना है। हमें भी कंट्रोल में रहना है। हमारा तो खैर घूमने का मन कभी होता ही नहीं। ये हमारे शिष्यों का भी घूमने का मन नहीं होता, और किसी का होता भी होगा तो चांस भी नहीं घूमने का है। इधर उधर घूमना क्या है, क्यों घूमना है, जरूरत क्या है, देखना क्या है, क्या है संसार, कुछ नहीं है, सब वही है तिकड़मबाजी, बस फालतू खुराफात। उसमें क्या जाना है, जहां देखो तहां चौराहे कड़े खीसे कड़ते। घूमना नहीं, हाँ सावधान। दो दिन की जिंदगी में मत दाग तू लगाना, चलना संभल संभल के, चलना संभल। दो दिन की जिंदगी है बस के, माया नगर यही। अरे ये शरीर और ये इंद्रियां, ये मन संभल संभल, ये सब डाउन होगा। ये जवानी के जोश में जो तुम गलतियां कर रहे हो, उत्पात खुराफात मचा रहे हो, फालतू बात कर रहे हो, बुढ़ापा आने पर हालत इतनी गंभीर होने वाली है आपकी कि दुर्दशा होगी। इसलिए सावधान हो जाइए, ये गलत काम मत करिए। ये तमाशा बड़ा विचित्र है। संभल कर बैठना जलवा मोहब्बत देखने वालों, संभल कर बैठना जलवा मोहब्बत देखने वालों, और तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों, तमाशा देखने वालों। चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। जवानी की अवस्था में विषय भोगों के आकर्षण से भी अपने मन को नियंत्रित कीजिए। क्यों? जिसके रूप सौंदर्य में आकर्षित होकर के तुम अपने पारिवारिक धर्म को भी खो देते हो, सामाजिक धर्म को खो देते हो, शारीरिक धर्म को भी खो देते हो, और सारे नियम भंग कर देते हो, उसके बाद वो आदमी आपको भी छोड़ देता है, वो लेडीज आपको भी छोड़ देती है। याद रखना, धर्म की रक्षा करो और धर्म के पथ पर चलो, नियम संयम का पालन करो। भगवान कोई आकाश से नहीं टपकता है, इस धरती पर जो नियम संयम से रहता है और धर्म का आचरण करता है, वही भगवान का रूप हो जाता है।